दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। दोस्तों कंप्यूटर क्लास सीरीज के पिछले वीडियो में हम लोग कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर चैप्टर का थ्योरी पार्ट हम लोगों ने देखा था। इस वीडियो में हम लोग सेम चैप्टर का एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वो देखेंगे और साथ ही साथ हमने इसमें 20 क्वेश्चन का आपको बोनस के रूप में वन लाइनर क्वेश्चन लिया है जिसके थ्रू आपको इस चैप्टर का सारा निचोड़ वहाँ पर मिल जाएगा। और थ्योरी अगर आपने पढ़ा होगा तो वो चीज़ें वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपको और भी चीज़ें जो है एक्स्ट्रा थोड़ा भी जो डाउट बचा होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। ओके तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले 20 क्वेश्चन का एमसीक्यू लगा लेते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, आउटपुट डिवाइस होता है प्रिंटर। नेक्स्ट यहाँ पे बात किया जाए कि आउटपुट डिवाइस इसे संभव बनाता है, मतलब कि आउटपुट डिवाइस क्या पॉसिबल बनाता है। तो आउटपुट डिवाइस जो है वो डाटा को आप देख सकते हैं या फिर उसको प्रिंट कर सकते हैं, ये पॉसिबल बनाता है। व्यू और प्रिंट डाटा इसको पॉसिबल बनाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि इनमें से कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस का है, मतलब जो इनपुट डिवाइस का लिस्ट है इस तीनों को चारों ऑप्शन में से जो तीनों है वो इनपुट डिवाइस ओनली होना चाहिए। तो जैसा कि आपको पता होगा कि माउस और कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है, बाकी सब में ऑप्शन में माउस कीबोर्ड है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा इन चारों ऑप्शन में से, तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। ओके प्रिंटर भी आपको अभी पढ़ाया हमने कि आउटपुट डिवाइस है, और जो प्लॉटर है वो भी आपको आउटपुट डिवाइस होता है। तो जो स्कैनर है वो इनपुट डिवाइस है, तो माउस कीबोर्ड और स्कैनर ये तीनों इनपुट डिवाइस है। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि इनमें से कौन सा समूह केवल आउटपुट डिवाइसों का है। तो आउटपुट डिवाइसों का समूह देखिए, स्कैनर क्या है, तो इसमें स्कैनर है इनपुट डिवाइस, प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, तो ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इनपुट डिवाइस आ गया, पूछ रहा है आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड भी इनपुट होगा तो ये भी नहीं होगा, माउस इनपुट है तो ये नहीं होगा। देखिए प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर ये तीनों जो है आउटपुट डिवाइस का सेट है, ये तीनों आउटपुट डिवाइस है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ यहाँ पे बोल रहा है कि अंकगणितीय ऑपरेशन का कार्य कौन करता है, मतलब इसमें से कौन है जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस को देखता है या फिर अर्थमेटिक ऑपरेशंस का कार्य क्या है, ये पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है उसका काम है जोड़ घटाव गुणा और भाग वाला जो काम है वो देखना होता है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस के काम। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं नाम से ही ये क्लियर है, अंक गणितीय यानी अर्थमेटिक पूछ रहा है, तो वहीं जोड़ घटाव गुणा भाग से रिलेटेड जो भी वर्क है वो अर्थमेटिक ऑपरेशंस देखता है। आगे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर सिक्स कि निर्देशों की एक श्रृंखला है जो कंप्यूटर को क्या करना है और कैसे करना है यह बताती है, उसे क्या कहते हैं। तो जो निर्देशों का जो श्रृंखला है यहाँ पे देख लीजिए, सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो क्या करना है कंप्यूटर को और कैसे करना है कौन बताता है, तो वो प्रोग्राम होगा। तो प्रोग्राम जो होता है एक इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है, सीरीज होता है, निर्देशों का श्रृंखला होता है, वही बताता है कंप्यूटर को कि क्या और कैसे करना है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेवन की बात किया जाए कि कंप्यूटर का कौन सा भाग किए गए कार्य को प्रदर्शित करता है, मानी डिस्प्ले करने का काम करता है। जो मॉनिटर होता है वो कंप्यूटर के सभी कार्यों का जो भी होता है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करने का काम मॉनिटर का होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर एट की बात किया जाए कि कंप्यूटर की मेमोरी में दर्ज किया गया कोई भी डाटा या इंस्ट्रक्शंस, मतलब निर्देश क्या कहलाता है। तो कोई भी आप डाटा जो है कंप्यूटर में आप डालते हैं उसे आप इनपुट कीजिएगा, इनपुट कहिएगा, जैसा कि हमने आपको बताया है थ्योरी वाले पार्ट में। और जो इन्फॉर्मेशन होता है प्रोसेस के बाद में जो आउटपुट डाटा है वो इन्फॉर्मेशन आता है। तो यहाँ पे दर्ज किया गया डाटा पूछा है तो करेक्ट आंसर सी होगा, ऑप्शन सी होगा इनपुट। क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए कि बोल रहा है कि एक डैश खेल खेलने को सरल बनाता है, इसमें से कौन सा डिवाइस जो है आप गेम खेलते हैं गेम को सरल बनाता है, यानी गेम आसानी से खेल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जॉयस्टिक होगा, इसके बारे में हमने पढ़ाया थ्योरी वाले वीडियो में, आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आप नहीं देखें वीडियो। तो इन पूछ रहा है कि इनमें से कौन से कीज, मतलब कुंजियाँ अंकों को त्वरित, मतलब जल्दीबाजी या बोल लीजिए क्विकली दर से इनपुट करने की संभावना को सक्षम बनाती है, मतलब किस कुंजी को प्रयोग करके आप अंक जो होता है जीरो से लेकर
9 तक, उसको जल्दी जल्दी आप टाइप कर सकते हैं। जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यूमेरिक की, इसके बारे में हमने बताया है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये होता है न्यूमेरिक वाला पार्ट, ये यहाँ इस न्यूमेरिक वाले पार्ट के थ्रू आसानी से जो है डिजिट को आप जो है टाइप कर सकते हैं। ओके, तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की बात किया जाए कि कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट किस प्रकार की कीज है, मतलब किस प्रकार की कुंजियाँ हैं। जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मॉडिफायर की होगा। देखिए कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट इसको मॉडिफायर की क्यों बोला जाता है, इसको मॉडिफायर की इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट बहुत सारे शॉर्टकट कीज में यूज होता है और किसी भी अल्फ़ाबेटिकल नंबर जो वर्ड है उसके अल्फ़ाबेटिकल वर्ड के साथ मिलकर वो उसका मतलब जो है बदल देता है। जैसे कि ये है, अगर ए के साथ कंट्रोल प्लस ए मिलेगा तो क्या होगा, ये सिलेक्ट अल्ट का होता है शॉर्टकट की, मतलब कंट्रोल प्लस ए अगर आप क्लिक कीजिएगा साथ में टुगेदर तो ये आपको जो टेक्स्ट होता है या जो भी मैटर है उसको सेलेक्ट करने का काम करता है। इसी प्रकार ये अलग अलग शॉर्टकट कीज में यूज होता है, इसलिए इसको मॉडिफायर की बोलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है कि कंप्यूटर के केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई मतलब CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कार्य क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ से नाम से आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग लिखा हुआ है, तो यहीं डाटा को प्रोसेस करने का काम होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा परफॉर्म्स कैलकुलेशंस एंड प्रोसेसिंग, मतलब गणना करना और साथ ही साथ प्रोसेस करना प्रसंस्करण करना इसका काम होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसे एक बार ध्यान दीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, नियंत्रण इकाई मतलब कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स, ये जो है प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं जितने भी प्रोसेसर अभी लैपटॉप में या फिर बोल लीजिए कंप्यूटर में लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि डैश कुंजी टॉगल कुंजी का उदाहरण होता है, मतलब कौन सा कुंजी जो है टॉगल कीज का उदाहरण है, एग्जांपल है। जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, कैप्स लॉक जो है वो टॉगल की का उदाहरण है। देखिए जो टॉगल की होता है, ये टॉगल की मतलब ऐसे समझिए कि इसमें मेनली जो अभी फिलहाल में जो कीबोर्ड आता है QWERTY कीबोर्ड, उसमें दो ही की टॉगल की के रूप में यूज होता है। एक होता है कैप्स लॉक जो यहाँ पे दिया गया है और दूसरा होता है न्यूमेरिक लॉक, NUM लॉक लिखा हुआ रहता है कीबोर्ड में। ओके, इसलिए इसको टॉगल की बोला जाता है क्योंकि ये शिफ्टिंग करने के काम आता है। कैप्स लॉक अगर आप प्लेस कीजिएगा तो सारा जो टाइप आप टेक्स्ट कीजिएगा वो कैपिटल लेटर में, मतलब कि बड़े अक्षरों में होने लगता है, कैपिटल लेटर में होने लगता है, और अगर ऑफ कीजिएगा तो ये स्मॉल लेटर में होगा। इसलिए शिफ्ट की है, मतलब जल्दीबाजी में आप किसी चीज़ को शिफ्ट कर सकते हैं इसको प्रेस करने से। न्यूमेरिक जो लॉक है या फिर नम लॉक इसको बोलते हैं, इसका जो काम होता है वो जो डिजिट हमने आपको बताया है कीबोर्ड में न्यूमेरिक कीपैड जो होता है उसको अगर आप प्रेस कर दीजिएगा नम लॉक को तो वो काम नहीं करेगा, और इसको अगर दोबारा से प्रेस करते हैं मतलब ऑन नहीं रहेगा तो ये कीबोर्ड का जो न्यूमेरिक बटन है वो काम करता रहेगा। इसीलिए टॉगल की बोलते हैं, शिफ्टिंग की बोलते हैं। इसके एक बार में क्लिक करने से जो चीज़ें हैं वो उसको शिफ्ट कर सकते हैं, सेटिंग को शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे है नम लॉक, ये नम लॉक अगर ऑन रहेगा तो ये जो है लॉक रहेगा सभी चीज़ें, ये काम नहीं करेगा, जितना भी न्यूमेरिक देख रहे हैं ये सभी अंक जो है काम नहीं करेगा। और यहाँ पे है कैप्स लॉक, इसके प्रेस करने से सभी चीज़ें कैपिटल लेटर में टाइप होना शुरू हो जाती है। तो उम्मीद है कि आप टॉगल की समझ गए होंगे। टॉगल की पिछला थ्योरी वाला वीडियो में नहीं बताया था हमने, वैसे हमने आपको प्रॉमिस किया था कि जो भी चीज़ें थ्योरी वाला पार्ट में कंप्लीट नहीं होगा हम उसको कोशिश करेंगे कि MCQ वाले पार्ट में कंप्लीट कर दें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है कि अधिकांश जो आम या व्यक्तिगत कंप्यूटर होते हैं या फिर लैपटॉप होते हैं उनके उनमें जो कीबोर्ड होता है किस रूप में लोकप्रिय है या फिर किस रूप में जाना जाता है, मतलब कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है आमतौर पर वो किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए अभी फिलहाल रूप में जो QWERTY कीबोर्ड है वहीं प्रचलन में है और आमतौर पर यहीं जो सभी लैपटॉप और कंप्यूटर उसमें यूज किया जाता है QWERTY कीबोर्ड, जिसका अल्फ़ाबेटिकल जो नंबर है ऊपर वाला सबसे QWERTY यहाँ से शुरू होता है, इसीलिए इसका नाम ही QWERTY कीबोर्ड पड़ा हुआ है। ओके, यहाँ पे वाई भी है इसमें। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की एक वस्तु या पाठ को ले जाते समय माउस के बटन दबाए रखना क्या कहलाता है। अगर किसी टेक्स्ट को या फिर फोटो के या वस्तु को आप, जैसे कि ये हो गया और यहाँ पे माउस को क्लिक करके आप यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट कर देते हैं, तो इसको क्या बोलिएगा? इसको बोलते हैं ड्रैगिंग, ड्रैग करना या फिर ड्रैगिंग। ओके, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ड्रैगिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्रिंटेड जानकारी मतलब मुद्रित जानकारी जिसे डैश कहा जाता है, मतलब क्या कहा जाता है, भौतिक रूप से मौजूद होती है और डिस्प्ले उपकरण पर प्रस्तुत जानकारी से अस्थायी रूप से अधिक परिस्थिति की होती है। मतलब मुद्रित जानकारी को क्या कहते हैं, बेसिकली ये पूछ रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, हार्ड कॉपी होगा। जैसे कि आप ये PPT जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये अभी क्या है, सॉफ्ट कॉपी में है, सॉफ्ट फॉर्मेट में है, सॉफ्ट कॉपी में है। लेकिन जैसे ही आप इसको प्रिंट कर लीजिएगा प्रिंटर के थ्रू पेपर पे, तो इसी को आप बोलिएगा हार्ड कॉपी। इसका करेक्ट आंसर सी होगा, हार्ड कॉपी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक व्यक्ति की उंगलियों के आधार पर पहुंच नियंत्रण का एक उदाहरण है। मतलब किसी भी पर्सन के फिंगरप्रिंट है वो किस तरह का एक्सेस कंट्रोल का उदाहरण है। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन करेक्ट आंसर होगा। जो भी फिंगरप्रिंट से रिलेटेड है वो बायोमेट्रिक से रिलेटेड होता है, तो करेक्ट आंसर वैसे भी टिक कर सकते हैं, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन। MCQ का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि कीबोर्ड, स्कैनर और माइक्रोफोन किस तरह के उदाहरण हैं। तो कीबोर्ड हमने बताया आपको पहले, स्कैनर और माइक्रोफोन, ये जो तीनों हैं ये इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। करेक्ट आंसर बी होगा, इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर में अधिकांश जो प्रसंस्करण है, जो प्रोसेसिंग है, वो कहाँ होता है? कंप्यूटर में जो अधिकांश प्रसंस्करण है कहाँ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CPU में सभी प्रोसेसिंग कंप्लीट होता है। यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन हमने लिया है कुछ, मतलब क्वेश्चन और आंसर का सेट है जो कि आपको हेल्प करेगा सभी चीज़ें या फिर जो डाउट है उसको क्लियर करने में। और ये जो 20 क्वेश्चन है इस चैप्टर का निचोड़ है। पूछ रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं, तो जो मुख्य घटक होते हैं वो इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, साथ ही साथ CPU होते हैं। कंप्यूटर के इनपुट यूनिट का क्या कार्य होता है? तो कंप्यूटर का इनपुट यूनिट का कार्य होता है कि यूजर्स का जो डाटा है वो कंप्यूटर तक भेजना। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे स्टोरेज यूनिट का क्या कार्य होता है? तो स्टोरेज यूनिट का मुख्य कार्य डेटा और इंस्ट्रक्शन को यानी निर्देशों को अस्थायी या अस्थायी रूप से संचित करना, सेव करना स्टोरेज यूनिट का काम होता है। CPU का क्या कार्य होता है? तो CPU कंप्यूटर का दिमाग होता है जो सभी तरह के अंकगणितीय, तार्किक यानी लॉजिकल और कंट्रोल ऑपरेशन करता है, नियंत्रण ऑपरेशन करता है। आउटपुट इकाई का क्या कार्य होता है? तो आउटपुट इकाई जो है कंप्यूटर द्वारा जो भी प्रोसेस डाटा है वो यूजर तक मानी उपयोगकर्ता तक, जो भी कंप्यूटर यूज कर रहा है उसको तक पहुंचाता है, मानव पठनीय रूप में परिवर्तित करके उसको दिखाता है और पहुंचाता है। कंप्यूटर सिस्टम में ALU क्या होता है, मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है? तो ALU जो है कंप्यूटर सिस्टम का एक कंपोनेंट है, घटक है, जो अंकगणितीय और तार्किक ऑपरेशन को कंप्लीट करता है, सक्षम बनाता है। अगला है कि नियंत्रण इकाई का क्या कार्य होता है? नियंत्रण इकाई CPU के अन्य सभी यूनिट की मानी इकाइयों की गतिविधियों को समन्वित करता है, उसको जो है सबका कंट्रोल देखता है नियंत्रण इकाई, जैसा कि इसका नाम ही है। कंप्यूटर सिस्टम में मदरबोर्ड का क्या कार्य होता है? तो मदरबोर्ड जो है एक प्राथमिक बोर्ड होता है जिस पर सभी हार्डवेयर कंपोनेंट स्थापित होते हैं। मतलब हार्डवेयर कंपोनेंट कहाँ स्थापित होते हैं? मदरबोर्ड में। कंप्यूटर सिस्टम में कैसे मेमोरी क्या होता है, कैसे इसको बोला जाता है, एक तरह का मेमोरी होता है। तो देखिए कंप्यूटर सिस्टम की गति को तेज करने में मदद करता है, कैसे कंप्यूटर सिस्टम, और डाटा को त्वरित रूप से पहुंचाने में मदद करता है। तो इसके थ्रू अगर ज़्यादा अगर कैसे मेमोरी रहता है कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर तुलनात्मक रूप से ज़्यादा फास्ट होता है। कंप्यूटर सिस्टम में रैम का क्या कार्य होता है? रैम कंप्यूटर सिस्टम में चल रहे कार्य को संचित करती है जिसमें वर्तमान में कार्य कर रही एप्लीकेशन और डाटा शामिल है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रैम जो है जो भी एप्लीकेशन या फाइल आप एक साथ यूज करते हैं उन सभी जो है टेम्परली बेसिस पे रैम में जो है स्टोर होता है, यही कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट इकाई के उदाहरण क्या होते हैं? तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन जो है इनपुट का उदाहरण है डिवाइसेस का। आउटपुट डिवाइस का उदाहरण पूछ रहा है, तो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स, हेडफोन ये सभी हो जाएगा। स्टोरेज यूनिट के उदाहरण हार्ड ड्राइव,
सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसको SSD बोलते हैं, अभी जो प्रचलन में है SSD, जिससे कंप्यूटर कंपेटेबली रूप से ज़्यादा फास्ट होता है। पेन ड्राइव, DVD ड्राइव आदि जो है स्टोरेज यूनिट का उदाहरण है। कंप्यूटर सिस्टम में CPU का कार्य क्या होता है? तो CPU जो है सभी तरह के कैलकुलेशन करता है, तार्किक और नियंत्रण ऑपरेशन करता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन एंड आंसर वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है, और वहाँ पे जो वन लाइनर क्वेश्चन है उसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो गया था। तो उम्मीद है कि इसमें कितना 16 to 17 क्वेश्चन जो है वन लाइनर होगा। इस क्वेश्चन को रखने का मतलब ये है कि जो सभी चीज़ें हैं वो आपको फिर से एक बार रिवाइज हो जाए और याद हो जाए। ओके, उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और आप अपने ग्रुप जो भी व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे ग्रुप है उसमें आप शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों को हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।